करीब 213 साल पहले शुरू हुआ काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद आज भी नहीं सुलझा है। इस विवाद को लेकर पहली बार दंगे 213 साल पहले हुए थे। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था। उसके करीब 100 साल बाद एक गुजराती व्यापारी ने फिर से इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन उसके बाद 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने मंदिर पर दूसरा हमला करवाया। धीरे धीरे विवाद लगातार सुलझने के बजाय बढ़ता चला गया। करीब 213 साल पहले शुरू हुआ विवाद आज भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में ताजा अपडेट की बात करें तो आपको बता दें, ASI के एडिशनल डायरेक्टर ने वाराणसी के जिला जज को करीब 1500 से ज्यादा पेज की एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें सर्वे के दौरान खंडित मूर्तियां, गढ़ा चिन्ह जैसे 250 अवशेष मिले, जिन्हें DM की निगरानी में लॉकर में जमा करवाया गया। उसके कुछ दिन बाद सभी अवशेषों को कोर्ट में रख दिया गया। बता दें, 16 मई को ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में 4 महिलाओं की तरफ से ASI सर्वेक्षण की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी अगुवाई वकील विष्णु शंकर जैन ने की थी। विष्णु शंकर जैन ने दावा किया था कि मस्जिद में हिंदू मंदिर के चिन्ह मिले हैं, जिसके बाद 21 जुलाई 2023 को वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी परिसर के सील वजूखाने को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों और तहखानों का सर्वे करने का आदेश दिया। उसके बाद 24 जुलाई को ASI की टीम ने सर्वे करना शुरू कर दिया था। 24 जुलाई से शुरू हुआ सर्वे 16 नवंबर तक चला। बता दें, वाराणसी कोर्ट ने ASI को शुरुआत में सर्वे के लिए 28 दिन का समय दिया था, लेकिन 3 बार ASI की ओर से मांग करने के बाद कोर्ट ने सर्वे के लिए वक्त बढ़ा दिया, जिसके बाद ASI ने 4 सेक्टर बनाकर ज्ञानवापी के तीनों गुबंदों और परिसर का सर्वे पूरा किया। ASI की ओर से किए गए सर्वे की रिपोर्ट में पत्थर के टुकड़े, दीवार की प्राचीनता, नींव और दीवारों की कलाकृतियां, मिट्टी, रंग, अवशेष की प्राचीनता के सैंपल जुटाए गए, और इन सब के अलावा सर्वे में एक टूटी हुई मूर्ति का टुकड़ा भी मिला। बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू पक्ष की महिलाओं को मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी है, लेकिन ये विवाद अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। फैसला किसके पक्ष में आएगा और किसके पक्ष में नहीं, सुनवाई कब तक चलेगी, इसको लेकर फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मामले में अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। शुक्रिया।